नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 14 में और आप इस समय लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिसेज रोजी हंजरा, जो कि इस साल एक बार फिर से उन्होंने अपना और अपने शहर का नाम रोशन किया है। जहाँ हल्द्वानी में हुए दीवा मिस एंड मिसेज इंडिया 2019 के अवार्ड फंक्शन, उसमें इन्हें मिसेज इंडिया ग्रेसफुल 2019 का अवार्ड मिला है। हम आपको बता दें कि जहाँ 15 ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे मिसेज इंडिया ग्रेसफुल के, और उनमें से जो जिन्होंने ये खिताब मिला है वो रोजी हंजरा करनाल की ही रहने वाली हैं। और किस तरह से उन्होंने दिखाया कि शादी के बाद भी अपने सपने पूरे करने के लिए किस तरह से उनको उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, और उनका यही कहना है कि वो यही सबको यही बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो आप पूरा ना कर सके। अगर आप पूरी लगन से कुछ भी काम करते हैं तो आप उसे 100% जो है पा सकते हैं, अपने उस मकसद को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। रोजी मैम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी। मैम पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बहुत बड़ा खिताब आपने जीता, इससे पहले भी आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? कब से आपने इसकी शुरुआत करी और कितने अवार्ड्स आपने अभी तक जीते? मैंने ये शुरुआत 2016 में की थी। सबसे पहले मिसेस करनाल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद 2016 में ही सुपर मॉम्स हरियाणा हुआ था, वहाँ पर मैं सेकेंड रनर अप थी और मैंने सनम जौहर DID के कोरियोग्राफर के सामने परफॉर्म किया था। 2018 में मैंने मिसेस फैशन आइकन और मिसेस हरियाणा भी जीता है, और 2019 में मैंने मिसेस इंडिया यूनिवर्सल हरियाणा, और अभी इसी साल ही भगवान की कृपा से और फैमिली के सपोर्ट से मैंने मिसेस इंडिया ग्रेसफुल दीवा 2019 विन किया है। तो मैम आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो शादी के बाद चाहती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही डर कर रुक जाती हैं कि शायद उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उन्हें आगे नहीं जाने देंगे या पता नहीं सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हर एक वुमन के अंदर एक डिज़ायर होती है, कुछ के अंदर वो दब जाती है और कुछ के अंदर वो बाहर आ जाती है। सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत होती है अपने आप से। अगर अपने अंदर डिज़ायर है, ड्रीम है, तो एक स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप कोई अचीवमेंट लाइफ में करते हैं तो धीरे धीरे आपको सब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उसको उभारें, और अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं तो आपकी फैमिली ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। जी मैम, और आप अपनी फैमिली का इसमें कितना थैंकफुल हैं कि उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया शुरुआत से लेकर अभी तक, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? वेल, मेरी फैमिली बहुत ही मॉडर्न विचारों की है, और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ काफ़ी एजुकेटेड है, उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है। मतलब कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि ये काम मत करो बेटा। हाँ जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड इवन, वो भी बहुत ही एनकरेजमेंट करते हैं हमेशा। उन्हीं सबकी वजह से, और अपने डेफिनेटली भगवान ने कुछ टैलेंट दिया है, आज ये सब सक्षम हो चुकी हूँ मैं हासिल करने में। तो हमारे साथ यहाँ पर रोजी मैम के फादर इन लॉ भी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है उन्हें शुरुआत से उनकी फैमिली ने किया, शादी के बाद से जब से उन्होंने चाहा कि उन्होंने अपने सपनों को जो है साकार करना है, पूरी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया। तो यहाँ पर हमारे साथ उनके फादर इन लॉ हैं, एक बारी मैं उनसे भी जानना चाहूँगी, सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इसके सपने हम चाहेंगे मोटिफाइड को किया हमने, इनकर्ज किया, जिसको नहीं किया इसको हम और भी इनकर्ज किया कि यू मस्ट सक्सेस इन दिस फील्ड एंड ऑन इज बिजनेस। तो सभी जगह आपने सपोर्ट किया इसको, और हमें पूरा भरोसा है कि सिविल सक्सेस मतलब वो होएगी और काम भी हो गया अपने फील्ड में, और हर पहलू पर खरी उतरेगी। बिल्कुल, जैसा कि सर ने भी कहा कि इन्हें पूरा भरोसा है कि किससे, जैसे कि शुरुआत से लेकर अभी तक मैम ने नाम रोशन किया, न केवल अपना, न केवल अपनी फैमिली का, बल्कि अपने शहर का भी। तो उन्होंने, जैसा कि सर ने भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो आगे भी इसी तरह से अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। हम लोग आप लोगों से भी यही अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैसेज देते हुए यहाँ पर रोजी मैम ने भी जैसा कि कहा कि कहीं ना कहीं वो सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने सपनों को दबाइए मत, क्योंकि किसी भी तरह से अगर आप पूरी लगन से अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर वो साकार होता है। जिस तरीके से इन्होंने पिछले 4 से 5 सालों में अपना पूरा नाम जो बनाया, इतने सारे सर्टिफिकेट्स इन्होंने गेन करे, इतना सारा इन्होंने अपना नाम बनाया। एक बार फिर से मैं लास्ट में मैम से एक मैसेज लेना चाहूँगी, सभी उन मैम लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो लोग किसी ना किसी रीज़न की वजह से अभी तक शांत है, दबी हुई हैं, अपना टैलेंट जो है निखार नहीं पा रही हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आप एंड में देना? एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि आजकल का माहौल महिलाओं के लिए कुछ सिक्योर नहीं रह गया है, पर अगर आज हम अपने आप में इतनी काबिलियत रखते हैं, हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे कोई लड़की हो या चाहे कोई डॉटर इन लॉ हो। पेरेंट्स सपोर्ट और पेरेंट्स इन लॉ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप का कॉन्फिडेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी मंजिल पाना चाहते हैं आप उसको पा सकें।
और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये सब जीतने के बाद अब मैंने सोचा है अभी कुछ हाल ही के महीनों में मैं ये करूँगी कि हमने भी एक ऐसा ही शो ऑर्गेनाइज कराना है, क्योंकि मैंने इतने सारे अवार्ड जीत लिए हैं तो नेचुरली अब हम अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम और महिलाओं को मौका देंगे अपना टैलेंट प्रूव करने का। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने भी कहा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके कि अपने बच्चों को या अपनी बहुओं को आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दें। अगर उनका किसी भी तरह का कोई सपना है तो उसे साकार करने के लिए उनका सहयोग ज़रूर करें। हो सकता है कल को आपकी भी बहू, आपकी भी बेटी आपका इसी तरह से नाम बनाए जो, और पूरे देश भर में आपका नाम ज़रूर रोशन हो। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।